Good morning, dear student. In the continuation of P block element group 15, today we will discuss in the chemical properties of nitrogen family. First, reactivity toward hydrogen. That is very important part, bachcho. All the element of group 15 form hydrides of type EH3. EH3 means jitne bhi hydrides iske form honge NH3. PH3, ASS3, SPS3 and BIH3 types. ठीक है, तो ये जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल है कि NH3, PH3 टाइप के फॉर्म होंगे, बट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें लिखी हुई एक एक लाइन जो है बच्चों, ये बोर्ड में क्वेश्चंस के फॉर्म में आती है. मीन्स आपको ये सीक्वेंस दिया गया है NH3, PH3, ASS3, SBH3, BIH3 और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी आपको इसमें डिस्कस की गई हैं. प्रॉपर्टीज़ में आप देख रहे हैं सबसे पहले जैसे मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं NH3 का ज़्यादा है, PH3 का उससे कम और ASS3 फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है. पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज. तो वहाँ पे आपको वैल्यूज़ नहीं ध्यान रखनी है, आपको ट्रेंड याद ध्यान रखना है कि टॉप टू बॉटम अगर हाइड्राइड्स में आप मूव करते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली इंक्रीज होता है. बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ NH3? NH3 मॉलिक्यूल जो है उसमें आपको पता है 3N के साथ हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड फॉर्म होंगे और एक लोन पेयर होता है. ठीक है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो NH3 का एक मॉलिक्यूल और NH3 के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, देखिए आप, और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है. अदरवाइज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं किस पे, साइज़ पे. साइज इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे. एज यू नो कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इंक्रीज होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. बट एक्सेप्शनली अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन PH3 इज फॉस्फीन PH3 से ज़्यादा होता है. रीज़न ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करेंगे कि NH3 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3, अमोनिया हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन. क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहना बच्चों, यहीं पे ये आपके काम आएंगे. ठीक है, अमोनिया हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन. रीज़न आपको देना है, तो रीज़न आप देंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया. ठीक, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, आपको इस तरीके से दे दिया, अरेंज देम इन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी गिवन और ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख देंगे बॉइलिंग पॉइंट. तो उसके बेस पे आपको इसको सीक्वेंस लगाना होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इस तरीके का साइन आपको लगाना होगा. ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं EH डिस्टेंस. EH डिस्टेंस मीन्स बॉन्ड लेंथ. ठीक है, बॉन्ड लेंथ. अब आप बॉन्ड लेंथ अगर NH, PH, ASH, SPH, बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है. या सबका रीज़न भी बताना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन रीज़न के फॉर्म में भी आता है. बॉन्ड लेंथ ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है बिकॉज जो आपका सेंटर एटम है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. ठीक, अब जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसी के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन. बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन कम होता चला जाएगा, यानी कि उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ठीक, क्लियर. फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है EH एंगल, मींस बॉन्ड एंगल ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है. बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है, जबकि साइज बड़ा हो रहा है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं होना चाहिए. तो बहुत ध्यान से एक चीज़ ध्यान रखना कि बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है सेंटर एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे. सेंटर एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो बॉन्ड पेयर को उतना ही ज़्यादा रिपेल करेगा.
नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो हाइड्रोजन के जो बॉन्ड पेयर हैं उनको रिपेल करता है, जिससे कि वो दूर हो जाते हैं और बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जाएगी, वो रिपल्शन कम होता चला जाएगा, और रिपल्शन कम होगा तो दोनों बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज़र आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल के मैं आपको सीक्वेंस देना हो तो NH3 सबसे ज़्यादा। रीज़न क्या है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और एक जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है। देखो, बेसिक करेक्टर, अब इसको आप बिल्कुल अलग पार्ट करके लिखना, बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। जितने भी हाइड्राइड्स हैं, ऑल हाइड्राइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेस कैसे हम डिसाइड करते हैं? पहला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, बेस आर दोज विच रिलीज OH नेगेटिव आयन, जहाँ OH नेगेटिव हो। जहाँ OH नेगेटिव नहीं है वहाँ हम कहते हैं बेस आर दोज विच कैन एक्सेप्ट H+ आयन, जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकते हों। ये सब H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। NH4- सुना है आपने, NH4 पॉजिटिव, PH4 पॉजिटिव, तो सब के सब क्या हैं? H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बेस हैं। थर्ड डेफिनेशन हम देते हैं, बेसिस आर दोज विच हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास एक लोन पेयर होता है। आप देखिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, 3 इसने बॉन्ड फॉर्म की तो एक लोन पेयर बचा। सबके पास एक एक लोन पेयर है, तो ऑल द हाइड्राइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर? पहली बात तो क्लियर हो गई कि अमोनिया ग्रुप 15 के जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो सबके सब बेस हैं। ठीक, अब इसके बाद बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अमोनिया इज़ मोर बेसिक या अमोनिया इज़ लेस बेसिक। यहाँ तो आपको सिर्फ सीक्वेंस दिया है, एग्ज़ाम में रीज़न पूछा जाता है। ठीक, अमोनिया इज़ मोर बेसिक देन फॉस्फीन। बेसिक करेक्टर बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है? दो तरीके की डेफिनेशन है, मैं दोनों रीज़न आपको बता देती हूँ। पहली डेफिनेशन है टेंडेंसी टू गेन H+ आयन। H+ आयन जो एक्सेप्ट करता है बेस होता है, तो H+ आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सिंस नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, सो इट कैन ईजीली एक्सेप्ट H+ आयन, देयरफोर इट इज़ मोर बेसिक देन PH3। ऐसे ही आंसर लिखना होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, सिंस नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, सो इट कैन एक्सेप्ट H+ आयन मोर ईजीली, देयरफोर मोर बेसिक देन फॉस्फीन। पहला आंसर। ठीक, दूसरे तरीके से आप क्या कह सकते हैं? लोन पेयर, ऑल हैव लोन पेयर, बट नाइट्रोजन के पास ज़्यादा क्यों है? बिकॉज द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज़ वेरी स्मॉल। जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, साइज जब बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा। सिंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एंड अदर आर डीलोकलाइज्ड अराउंड द स्ट्रक्चर, अराउंड द सेल ऑर्बिटल, इसलिए जब डीलोकलाइज्ड हो गए तो ईजिली आर नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, देयरफोर NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। दोनों में से कोई भी आंसर आप लिखेंगे, आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहीं से, द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज। अलग अलग पॉइंट्स के उस पर पहले इसको क्वेश्चन लिखो, फिर उसका रीज़न लिखो। ठीक, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेज। रिड्यूसिंग करेक्टर मीन्स खुद रिड्यूस हो करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। ठीक, अब रिड्यूस कब करेगा? जब H को रिलीज करेगा तभी तो रिड्यूस होगा। जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो H को एक्सेप्ट करते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे EH बॉन्ड देखो आप, इसकी
जितनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, ईएच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। एच जितनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा उतना ही इसका रिड्यूसिंग करेक्टर ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन आता है रिड्यूसिंग करेक्टर में। ऐसे ही आपको NH3 कॉमा PS3 ASH3 SBS3 BIS3 दे देंगे कॉमा करके, ब्रैकेट में एक प्रॉपर्टी लिख देंगे रिड्यूसिंग करेक्टर। क्वेश्चन आएगा अरेंज द फॉलोइंग इन द मैनर ऑफ प्रॉपर्टी गिवन इन ब्रैकेट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ये एक बोर्ड का क्वेश्चन है। BIH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, गिव रीज़न। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो BI और H के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। सो BIH बॉन्ड जो है आसानी से ब्रेक हो जाता है, इसलिए जब ब्रेक हो जाएगा तो H निकल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन आप इसको नोट करेंगे, और ये आपका आज के लिए हाइड्राइड्स पोर्शन बहुत है। कल को हम इसके ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।